हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट फिंगर है हम लोग का, इसमें हम लोग सबसे पहले अपने फोर फिंगर को स्ट्रेच करेंगे, मिडिल फिंगर को और थंब को, जिसमें हम लोग का जो फोर फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा और जो मिडिल फिंगर होगा वो करंट को शो करेगा। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि फोर्स का मूवमेंट किस साइड किस डायरेक्शन में हो रहा है। जो हमारा थंब होगा वो इंडिकेट करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जो तीनों फिंगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जैसा कि 90 डिग्री यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, सब पे बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा स्ट्रेच करेंगे अपने फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थंब को। ये तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों, 90 डिग्री पे ये दोनों ये सब स्ट्रेच हों। तो इसमें जो हमारा फोर फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, जो मिडिल फिंगर है वो करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है। इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हमारा जो फोर्स है मोमेंट वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम लोग का जो फोर्स का मोमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मीन्स कि चार्ज का जो फ्लो होता है वही करंट कहलाता है। उसका मतलब है कि कोई भी अगर मूविंग चार्ज है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कोई ना कोई फोर्स ज़रूर एक्सपीरियंस करेगा, वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स ज़रूर लगता है, जिसे हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। मीन्स की जो लॉरेंज फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है क्यू वी बी, जहाँ पे क्यू का मतलब है कि जो चार्ज इस पार्टिकल पे लग रहा है और वी का मतलब है कि जो वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इससे हम लोग को लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला मिला क्यू वी बी, मीन्स कि चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। मीन्स कि अगर हम लोगों को फोर्स के मूवमेंट का पता लगाना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे, जिसमें हम लोगों को ये पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं उससे कि फोर्स का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम तीन फिंगर का यूज करना है, इसमें थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, जिसमें ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। और फिर इसमें हम लोग का जो फोर फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और जो मिडल फिंगर होगा वो करंट को इंडिकेट करेगा। तो हमारा जो थंब होगा वो फोर्स ऑफ मूवमेंट बताएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स मूव कर रहा है। इससे हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसी जो यही चार्ज मूव कर रहे हैं उन मैग्नेटिक फील्ड में, उनमें कोई ना कोई फोर्स जरूर लगता है, जिसे हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, जहाँ पे क्यू का मतलब है चार्ज और वी का मतलब है कि वेलोसिटी जो उस चार्ज पार्टिकल पे लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड। तो मीन्स कि ऑल ओवर हमने ये समझा कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है और इस लॉरेंज फोर्स का क्या फॉर्मूला है फोर्स निकालने के लिए। इसमें भी एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया है, जिसमें चार्ज किसी भी पार्टिकल पे कितना चार्ज लग रहा है, किसी भी पार्टिकल पे कितनी वेलोसिटी लग रही है और उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इन तीनों के यूज से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं।
तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग को अगर फोर्स पता हो या इन तीनों में से कुछ एक ना पता हो तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग को मैथमेटिकली पता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो इसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, करंट दे दिया, तो आप लोग से फोर्स ऑफ मूवमेंट पूछ सकता है। तो जिसके लिए हम लोग को फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना पड़ेगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि फोर्स ऑफ मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसको हम लोग किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग फोर्स का मोमेंट पता लगा सकते हैं। सो आई होप आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें आप लोगों को मैंने लॉरेंज फोर्स भी बता दिया, फोर्स का फॉर्मूला भी बता दिया फोर्स निकालने के लिए। आप लोग को सब भी समझ में आ गया होगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोगों ने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।